चैनल और आज मैं अपनी नानी के यहाँ आया था। मैं आपको दिखा नहीं पाया, उसके लिए मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ। और अभी हम लोग रावण बना रहे थे दशहरा के लिए, और अभी मैंने बिजली बम ये सब फोड़े हैं तो, और हम मेरे यहाँ पे बम मिलते नहीं हैं तो हम यहाँ से थोड़े ले जाएंगे। और आज हम ये रेलवे कॉलोनी है इसलिए हम यहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन भी जाएंगे ऐसे घूमने देखने। और अभी मेरे भाई और उनके फ्रेंड अभी वो बना रहे हैं, क्या बोलते हैं, रावण बन रहा है। यहाँ पे मिक्की भैया बना रहे हैं। मिक्की भैया हाय कर दो। वहाँ पे आशी भैया खड़े हैं, यहाँ पे बना रहे हैं रावण। इस रावण को गाइस पैरालाइज मार गया, ढंग से खड़ा नहीं हो पा रही है इसकी। ऐसी हम आ गए हैं, ब्रश कर रहे हैं, पीछे लटका हुआ है। और अभी मैंने बस ब्रश करा, अभी नहाने जाना है और फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर दोबारा बड़े मामा के घर जाएंगे ऐसे घूमने, और फिर यहाँ से रेलवे स्टेशन घूम कर आएंगे। और अभी मेरे को नहाना भी है। वो तो सूखा पड़ा है, इधर सूखा पड़ा हुआ है। नहीं, इनको दिखा दें, एक बार दिखाइए, सूखा पड़ा हुआ है इधर आ जा, सूखा पड़ा हुआ सारों इतनी आवाज तेज है, आपको ढंग से सुनाई नहीं दे रही होगी। और यहाँ पे आना दीदी और काकू भी आ रखे हैं। अब हम जा रहे हैं, कर बताओ इस वाले पौधे को क्या कहते हैं। वैसे इसको हिंदी में तो अरंडी कहते हैं, बाकी का अभी हम जब रेलवे स्टेशन आए थे तो ये बहुत सारे जगह जगह उगे हुए हैं। यहाँ पे ये पेड़ लगा हुआ है, और ये जो आप सोच रहे हो कि ये कांटे हैं, लेकिन ये कांटे नहीं है, देखो ये पूरे सॉफ्ट है ये, और ये कुछ ऐसा दिखता है। और पापा ने बताया कि इनकी दवाई बनती है जब सूख जाते तो। बहादुरगढ़ के रास्ते रोहतक को जाने वाली 043 बरेली इंटरसिटी, थोड़ी समय बचा प्लेटफॉर्म नंबर। रेलवे स्टेशन है, और हमारा रात में भी आने का प्लान था लेकिन हम आ नहीं पाए क्योंकि लोगों ने बताया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जंगल जंगल, और ये एक तरह का हॉन्टेड रेलवे स्टेशन भी है। सो गाइस यहाँ पे स्टेशन के पास एक छोटा सा प्यारा मंदिर भी है, अंदर अभी गए नहीं क्योंकि हमने जूते पहन रखे हैं और उतारे। और यहाँ पे इतनी सारी गाय खड़ी है, इनका भरोसा नहीं है कब लात मारते हमारा काम हो जाए, तो इसलिए हम जा भी नहीं रहे हैं। और एक अंकल अपने आप को ज़्यादा हीरो बन के चले गए, सोच रहे थे कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको गाय मारने वाली थी लेकिन वो तब भी भाग कर चले गए। और अभी हम यहाँ पे सबसे डेंजरस गाय है ब्लैक वाली, ज़रूरी नहीं। मम्मी पापा भागो।